मन पूछता संभाला रोडा मन सोवा अगर पूछता तो समेट वाले ने पशु पी रोडा कह कर कराची, जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में गंदगी के ढेर, धूल मिट्टी और लोगों के हुजूम, जहां आपका सांस लेना भी मुहाल हो। लेकिन आज हम आपको कराची के एक ऐसे मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जहां हमारा जाना भी आसान नहीं था, जो कि कराची से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर। से चंद किलोमीटर फासला तय करने के बाद हमें रूट तब्दील करना पड़ा, लेकिन रूट बदलने के बाद एक और मुनफरिद सफर का आगाज हुआ। जहाँ खूबसूरत और दिलकश नजारों के साथ साथ हमें कदीमी और तारीखी आसार भी मिले। चले हम आपको दिखाते हैं कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान, जो कि हमारे लिए तो मुनफरिद भी था और कदीम सकाफत से भरपूर भी था, जिसके बारे में हमें ज्यादा इलम तो नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि मोकिकीन ने इन तारीखी कब्रों के बारे में तहकीक जरूर की होगी। कीर्तर के बारे में मशहूर है कि एक पहाड़ी सिलसिला जिसकी शुरुआत कराची के इलाके गड्डाब टाउन से होती है और ये सिलसिला सेमन शरीफ तक और इससे आगे तक फैला हुआ है। कीर्तर नेशनल पार्क की वजह से ये तवज्जा का मरकज है। नेशनल पार्क बैनुल अक्वामी वर्षा करार दिया जा चुका है। इस पार्क में अनेक किस्म के नायाब जानवर अब भी वाफर मकदार में पाए जाते हैं। बारिश के बाद अरसो अरियाली कीर्तर कश्मीर नजीर बनाती है, जिसके मनाजिर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। सफर हो और खाना पीना ना हो तो इसके लिए हमें एहतियात के साथ साथ एक ऐसी जगह भी देखना था जो कि आग जलाने और खाना पकाने के लिए कुछ सहूलत मैसर हो, जो जंगल और इसके एहतियात को नुकसान पहुंचाए बगैर
हम खाना पका सकें, तो इसके लिए दोस्तों ने कीर्तर नेशनल पार्क का रुख किया, जहां हमें एक ऐसी जगह मिली जहां खाना पकाने के साथ साथ हमें एक गहरी झील का नजारा भी देखने को मिला। बाजार हमें झील नजर आने वाला ये डैम, जिसे हब डैम कहा जाता है, जो कि तकरीबन 24,000 एकड़ पर मुश्तमिल है।